सरसों का तेल है, देखिए हम इसको हौसल में लगा देंगे और हाथ में भी थोड़ा लगा लेंगे ताकि जब भी हम इस कटहल काटें तो चारों तरफ इसका लहसुन नहीं लगे। इसको ऐसे पीसेस पीसेस कट कट लेंगे, फिर इसे हम छील लेंगे। इसका ये हेड वाला पार्ट हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह सभी को हम छील के रखेंगे। कुकर में एक गिलास हम पानी लिए हैं, ये देखिए इसमें सभी कटहल को ऐसे डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे एकदम थोड़ा ताकि बर्तन में भी चिपके नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 सीटी आने तक इसे उबाल लेंगे। ये देखिए कटहल हमारा कितना अच्छा उबल गया है, इसे हम निकाल लेंगे। इतना सॉफ्ट हो गया है कि निकालते वक्त टूट जा रहा है। कलवट्टे से या पोटैटो मिक्सर से भी इसे अच्छे से ऐसे मैश कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए कोई भी मोटे तले का कढ़ाई लेंगे। देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका, इसमें हम डालेंगे 5 से 6 टेबल स्पून सरसों का तेल। ये 1/2 टेबल स्पून हम जीरा लिए हैं, 2 तेजपात के पत्ते लिए हैं, 4 से 5 हम लाल मिर्च सूखी हुई लिए हैं, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। यहाँ मीडियम साइज 4 प्याज लिए हैं, इसे पतले पतले पीसेस में कट कर लिए हैं, और 1 गट्ठे लहसुन के लिए हैं, इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं। ये देखिए हमारा जीरा, लाल मिर्च, तेजपात के पत्ते, लहसुन, प्याज सब चीज़ अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम सब्जी डालेंगे। इसमें हम कोई मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हम कटहल के बिना मसाले वाली सूखी सब्जी बना रहे हैं। अब इसमें ही सभी कटहल हम डाल देंगे। हम यहाँ 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं, आप अपने स्वादानुसार डालिएगा, और 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे, इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा कटहल पहले से बॉयल हो चुका है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारा सब्जी बनके तैयार हो चुका है। वाह कितना मस्त दिख रहा है ना। इसे हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए हमारा सब्जी बनके तैयार हो चुका है। वाह कितना यम्मी दिख रहा है ना, खाने में भी उतना ही यम्मी लगता है। हम इसे पूरी के साथ सर्व किए हैं, आप इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ भी खा सकते हैं।